नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाध्याय करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको लेके आया हूं आगरा, और आगरा में आपको लेके आया हूं ताजमहल दिखाने के लिए। दोस्तों ताजमहल आपको पता है शाहजहां ने बनवाया था, और दोस्तों पूरे विश्व में ताजमहल काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों ताजमहल काफ़ी बड़ा है, उसका ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है। आज हम और आप दोनों घूमेंगे ताजमहल, तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. तो दोस्तों हम बाइक पर पहुंच चुके हैं आगरा के ताजमहल के पास। यहां हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करेंगे और फिर आगे ताजमहल देखने के लिए निकलेंगे। तो यहां मैं अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी कर देता हूं। बाइक पार्किंग खड़ी करने के बाद अब हम निकले हैं बैटरी की गाड़ी पर। ये हमें ताजमहल परिसर तक पहुंचाएगी। ताजमहल पार्किंग से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। बैटरी वाली गाड़ियां इसलिए चलती हैं कि कोई पॉल्यूशन ना हो यहां पर। रास्ते में ही एक छोटा सा मीना बाजार पड़ेगा, जिसमें कुछ दुकानें हैं। यहाँ पहुँचने के बाद में आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। टिकट की कीमत 50 रुपये है अगर आप ताजमहल को ऊपर जाके नहीं देखना चाहते तो। अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हम घुस चुके हैं ताजमहल के अंदर, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ताजमहल का एक विशाल द्वार आपका स्वागत करेगा। यही है वो विशाल द्वार, इसके अंदर होके हम अंदर प्रवेश करेंगे। जब आप ताजमहल देख के वापस निकलेंगे यहीं पर, तो यहाँ पर आप विभिन्न दिशाओं में विभिन्न दरवाजों से होकर बाहर निकल सकते हैं। देखिए ताजमहल सामने है, अभी ये थोड़ा सा दूर है। जब आप चल के पास पहुंचेंगे तो और आपको विशाल दिखाई देगा। ये ताजमहल के चारों ओर चार बाग, जो कि एक मुगल बाग है, 300 वर्ग मीटर का बना हुआ है। ये गार्डन काफी शानदार है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल तक फव्वारे भी लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं ताजमहल को। ताजमहल के बारे में मैं आपको बता दूं, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में।
ताजमहल का केंद्र बिंदु एक वर्गाकार नींव पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा है। जब आप धीरे धीरे ताजमहल के करीब पहुंचेंगे तो ये आपको और भी सुंदर और भी शानदार दिखाई देने लगेगा। कहते हैं ताजमहल पूरा होने के बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने लाल किले में कैद कर दिया था। ताजमहल का मूल आधार विशाल बहुकक्षीय संरचना है। यह प्रधान कक्ष घनाकार है जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर है। ताजमहल की गुम्बद इमारत के आधार के बराबर 35 मीटर प्याज के आकार की है। ताजमहल की चार मीनारें लगभग 40 मीटर की हैं। इनको बाहर झुकाकर बनाया गया है ताकि अगर कभी ये गिरें तो अंदर की तरफ न गिरकर बाहर की तरफ गिरें। मुख्य गुम्बद के किरीट पर कलश है। ताजमहल दोस्तों देखने में बहुत ही शानदार लगता है। आप यहाँ पर आएं और देखें इसकी विशालता को कि ये कितना विशाल है और संगमरमर का बना हुआ ये कितना सुंदर है। ताजमहल में मस्जिद भी है। यहाँ का नज़ारा देखने लायक है, बहुत ही शानदार है। आप यहां पर आके फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहां आप फोटो खिंचवा सकते हैं। बहुत से पर्यटक देश विदेश से आते हैं और यहां पर ताजमहल का लुत्फ उठाते हैं। ताजमहल आगरा की शान है। जैसे जैसे आप ताजमहल के पास जाएंगे इसकी विशालता आपका मन मोह लेगी। आप देख सकते हैं इसका शानदार नजारा। दोस्तों यहां से ऊपर जाने के लिए आपको 200 रुपये
एक्स्ट्रा की टिकट लेनी पड़ेगी। ताजमहल के अंदर जाने के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा की टिकट लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप ताजमहल को चारों ओर से ही देख सकते हैं, उसके आप साइड में ऊपर घूम सकते हैं बस, लेकिन ऊपर जाकर अंदर घुसने के लिए आपको 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। देखिए फव्वारों का नज़ारा कितना शानदार है। दोस्तों ताजमहल के पीछे यमुना जी हैं, दोस्तों हम थोड़ा सा घूमकर चढ़कर थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से और ऊपर आपको ताजमहल में जाने के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। चाहे तो आप टिकट एक साथ ले सकते हैं, जब आप 50 रुपये की टिकट लें उसी के साथ में आप 200 रुपये की टिकट भी सम्मिलित कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ताजमहल के पीछे यमुना जी हैं। Thank you.
तो दोस्तों आप भी आगरा आएँ और आगरा आकर ताजमहल देखें। दोस्तों यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए आगरा में और आगरा के आसपास। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, पसंद आया हो तो एक बार दूसरों में शेयर कर दें, और दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।